जी चीज आपको कवर करनी है तो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर में सारा लखनऊ कवर होगा, कवर हो जाएगा। आप मिडिल लखनऊ में हैं, एकदम बीचों बीच, नया पुराना दोनों साथ। पूरी जानकारी लेते हैं। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है, हमारी फैमिली को एक बार हेलो बोल दीजिए। हेलो। बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे हमें कि इंदिरा नगर में हमें मकान दिखाइए, बजट हाउस दिखाइए। हमने कहा अनिल जी के पास चलते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनके पास इस तरीके के मकान अवेलेबल रहते हैं क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर में काफ़ी अच्छे रहते हैं, काफ़ी फिनिश्ड मकान रहते हैं। तो अनिल जी क्या लोकेशन लग जाती है और क्या ये हमारी फैमिली के जो डिमांड आते हैं उनके बजट में रहेगा? बिल्कुल बजट में रहेगा। इस लोकेशन के लिए आप ये मानिए कि मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन से 1.5 किलोमीटर पे है। अच्छा। तकरोही पुलिस चौकी मात्र 300 मीटर पे है। अच्छा। ये बेहतरीन लोकेशन पे आप खड़े हैं। इसका इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी चीज़ें इस मकान में लगी हैं सब ब्रांडेड लगी हुई हैं, सबके बिल्स अवेलेबल हैं, मतलब हर एक चीज़ की रसीद, हर एक चीज़ की रसीद अवेलेबल है। ज़्यादातर चीज़ें इसमें लाइफ टाइम गारंटी वाली लगी है, जैसे समर सीवल से लेके और बाथरूम की फिटिंग तक सारी चीज़ें, सारी चीज़ें। स्टील जो है वो भी ब्रांडेड लगा हुआ है, कभी भी काला पड़ने पे उसका रिटर्न है। अच्छा। तो इस मकान में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक नंबर में लगी हुई। अच्छा, इसकी गारंटी ले रहे हैं, प्रॉपर रसीद भी दिखाएंगे, प्रॉपर रसीद देंगे कस्टमर। अच्छा, तो एक बार फिर से बता भी दें कि इंटीरियर एक्सटीरियर में सबसे पहले लाइट टाइल्स, इन सब के बारे में ही बता दें कि क्या क्या चीज़ें ब्रांड में हम देते हैं। देखिए, कजारिया की टाइल्स है, ग्रेनाइट जो है कांदा का है, राजस्थान कोटा है, ठीक है, एक नंबर का। स्टील जो आप देख रहे हैं सब जिंदल की है, मोहर लगी हुई है, सारी स्टील इस घर में जितनी स्टील लगी है सब जिंदल की है। अच्छा। और किचन में भी जो स्टील का काम हुआ है, बकेट वगैरह, वो भी जिंदल के हैं। ACC सीमेंट अव्वल ईंटे से मकान बना हुआ है, आप किसी भी इंजीनियर को लाके दिखा सकते, चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप चलेंगे बाहर, बाहर से भी आपको गली भी दिखा देते हैं। इसकी फ्रंट रोड कितने फीट? फ्रंट रोड 20 फीट की है। 20 फीट की, हाँ, ये रोड 27 फीट। ओवरऑल घर का डायमेंशन क्या रहेगा? 22.5x58 105 होगा, मौके पे जो है 1350 है। 1350 है, ठीक है। आप इधर भी एक बार घुमा के देखेंगे ये रास्ता और कनेक्टिविटी आपसे पूछे। ये कनेक्टिविटी उधर से भी सीधे मुंशी पुलिया, ये भी सीधे मुंशी पुलिया, ये बिल्कुल पक्का रोड, बिल्कुल सीधा आपको मुंशी पुलिया कनेक्ट करेगा। स्पेस आप देख सकते हैं, दो कारें खड़ी हैं, उसके बाद भी बीच में इतना स्पेस है कि एक कार और भी आ सकती है, आ सकती है। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं दोस्तों। और अनिल जी, इसके ऊपर अगर कोई बनाना चाहे तो आराम से 4 मंजिल बनाए, हमारे पास नक्शा है, 2 मंजिल का तो नक्शा ही है, सब फर्स्ट क्लास एकदम। आप देखेंगे तो इसमें कंस्ट्रक्शन देखेंगे आप, बाहर से आपको दिख जाएगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे जो तैयार है वो ऐसा है, और अगर आपको चाहिए कि फर्निश मतलब हमारे सामने कंप्लीट हो तो ऐसा भी आपके लिए अवेलेबल है, दोनों ही अवेलेबल है। अच्छा, ये वाला हम अब सोल्ड कर चुके हैं। हाँ, ये सोल्ड कर चुके हैं। अच्छा, तो ये आपने एक ही मंजिल मतलब इसमें बनाया था, बाद में इनका इंटीरियर करके कस्टमर ने बनवाया। ठीक है, आप फ्रंट एलिवेशन आपने दोस्तों देखा, आप दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। अब आइए आपको अंदर से सबसे पहले दिखाना शुरू करते हैं। हालांकि अंदर से ही हमने शुरू किया था, सबसे पहले इसका आ जाता है पोर्च, जिसमें हर तरीके की कोई भी कार खड़ी हो सकती है। क्यों नहीं जी? हाँ, फॉर्चुनर खड़ी हो जाएगी आराम से। ठीक है, क्या साइज हो जाएगा? 16 फीट का है ये। 16 फीट का है, ठीक है। बाकायदा आप देख सकते हैं इन्वर्टर का स्पेस है, और यहाँ पे इसको कवर्ड भी किया है ताकि ये कहीं से भी ख़राब नहीं लगे। नॉर्मली आप जितने भी वीडियोज़ में देखेंगे और घर में भी देखेंगे, ये सब खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं, तो गंदा ना लगे, इसलिए अनिल जी ने ये चीज़ की है। सिंक दे रखा है हाथ पाथ धोने के लिए, ताकि कोई बाहर से आए डायरेक्ट घर में अंदर नहीं जाए, बाहर ही आपके हाथ पैर धो के उसके बाद घर के अंदर एंट्री कर सके। क्यों अनिल जी? जी। उसके बाद चलते हैं अपने रूम में, डुअल सिक्योरिटी डोर स्टेप देते हैं, एक ये एक ये।
दोनों में मजबूती रहती है ना? बहुत, एकदम एक नंबर। ठीक है, अंदर के लॉक लगे हुए हैं सब। अंदर आ जाएंगे, पहले आप ये देख लीजिए, काफ़ी स्पेसियस, मतलब भर का इसमें आपको स्पेस मिल रहा है, काफ़ी स्पेसियस है। अगर खाली हम इतने का पूछे अनिल जी आपसे, खाली इतने का साइज, तो क्या साइज हो जाएगा? 10x12 का साइज। 10x12 का जी। आप थोड़ा आगे आएंगे, सामने से देखेंगे, फ्रंट में आपको बड़ा सा एक विंडो मिल जाएगा, ऊपर आपकी फॉल सीलिंग दी हुई है, फॉल सीलिंग पे डिज़ाइन दिया हुआ है, और उसके सामने आपका ये वॉलपेपर दिया हुआ है ना? जी। ठीक है, वॉलपेपर पे डिज़ाइन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 1, 2, 3 तीनों पे अलग डिज़ाइन दिया हुआ है, फ्रंट दीवार पे अलग डिज़ाइन दिया हुआ है, तो सारी दीवारों पे अलग अलग आपको वॉलपेपर के अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। टाइल्स का कॉम्बिनेशन भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद चलते हैं अनिल जी के किचन में, किचन भी काफ़ी अच्छा डेकोरेट करके रखा है अनिल जी, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या क्या चीज़ें कैसे हैं? किचन में सब कुछ मॉड्यूलर है, चिमनी है एलिका कंपनी की चिमनी है जिसकी 5 साल की गारंटी है, सामने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें जिंदल की स्टील हैं, ये सारे स्टील जिंदल के हैं, लाइफ टाइम वारंटी। ठीक है, लाइफ टाइम में कभी भी खराब होता है, कभी भी काला पड़ता है या कोई भी दिक्कत आती है तो वापस हो जाएगा। ठीक, वो वापस होने की करने की जिम्मेदारी आप, हमारी हमारी। ठीक है, इस किचन का साइज क्या हो जाएगा? किचन का साइज भैया है 12x12। 12x12 का स्पेसियस किचन है, इधर से लेके वहाँ तक है, आप सामने चाहे वहाँ से वहाँ तक का डाइनिंग बनाइए, चाहे ये पूरा डाइनिंग बनाइए, है ना? और ऊपर इसके देखेंगे फॉल सीलिंग पे आपको डिज़ाइन दिया, उस पर भी अलग पैटर्न पे आपको वॉलपेपर के डिज़ाइन दिए हुए हैं। उसके बाद चलते हैं अपने पहले रूम में, और उसी से अटैच आपका ये इंडियन स्टाइल में एक वॉशरूम होने वाला है। इंडियन स्टाइल में ये वॉशरूम है, अगर आपसे साइज़ पूछे अनिल जी इसका, क्या साइज़ हो जाएगा? इसका साइज 5x7। 5x7। आ जाते हैं अपने एक रूम में, पहला रूम हो गया आपका मास्टर बेडरूम कह सकते हैं, बस अटैच टॉयलेट नहीं है। अटैच टॉयलेट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने आपको कोटिया सीरिया दे दिया है ना? हाँ। इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये ओपन एरिया छोड़ा है वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, वेंटिलेशन घर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको खोल देने से आपको देखिए पूरा यहाँ रोशनी मिल रही है, लाइट जाने पे भी यहाँ पूरी रोशनी पर्याप्त रहेगी, कोई सफोकेशन नहीं होगा। एक अलमीरा दे रहे हैं, ये अलमीरा भी फुली ब्रांडेड है। अच्छा, क्या फुली ब्रांडेड है? इसमें सारा सामान ब्रांडेड लगा हुआ है, मौके पे जो भी आएगा वो इसकी मजबूती को परख सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक खर्चा आपका वो भी बच गया है कि अलमीरा आपको साथ नहीं मिल रही है। सामने आपको यहाँ वॉलपेपर पे एक अलग डिज़ाइन दिया हुआ है, ऊपर अगर आप फॉल सीलिंग पे देखेंगे तो उस पर अलग डिज़ाइन दिया हुआ है। यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे सारे ही दीवारों का, अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। उसके बाद आ जाते हैं अनिल जी मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आपको दो अलमीरा जॉइंट मिल रही है ना? जी। ठीक है, ये भी काफ़ी वर्थ इट है, मतलब अगर इस घर को आप लेते हैं तो आपका पैसा वसूल है, आपको कहीं भी नहीं जाना है। स्पेस इसमें आपको, मतलब सारे ही रूम आपको उसमें बड़े मिल रहे हैं, प्लस साथ ही साथ आपको अलमीरा मिल जाता है, तो आपको एक कपड़े रखने का स्टोरेज मिल जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है अगर आप फैमिली करते हैं तो। इसमें भी ऊपर आपको फॉल सीलिंग का डिज़ाइन दिया हुआ है और काफ़ी अलग पैटर्न पे दिया हुआ है। अनिल जी खाली इस रूम का साइज़ पूछें तो क्या ये रूम 16x14 है। 16x14 है, ठीक है। 16x14 का स्पेसियस रूम ये है। सामने आपको कलर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, यहाँ पे आप अपना LED TV वो सब लगा सकते हैं, इधर आप अपना बेड डाल सकते हैं। उसके बाद एंटर करते हैं हम, एंटर करते ही हमें ये स्पेसियस OTS एरिया मिल जाता है, उसी से लगा हमारा ये वेस्टर्न स्टाइल में। वॉशिंग मशीन यहाँ आ सकती है, यहाँ वॉशिंग मशीन आ जाएगी, उसके आगे बढ़ेंगे आपको वेस्टर्न स्टाइल में टॉयलेट मिल जाएगा। और इस टॉयलेट के साइज़ की बात करें अगर, तो क्या साइज़ हो जाएगा? 7x6। 7x6, ठीक है, 7x6 का ये हो गया। नीचे की हमने सारी डिटेल अनिल जी दे दी, आप आए चाहेंगे कि आप जल्दी जल्दी आएँ और जल्दी जल्दी आप अपनी फैमिली को बताते चलें कि घर की तो हमने पूरी जानकारी दे दी। नियर बाई में अगर फेमस चीज़ें आपसे पूछें तो कौन कौन सी हो जाएंगी? सबसे फेमस देखिए, यहाँ मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन है, मुंशी पुलिया का जो चौराहा है वहीं से मेट्रो बन के चलती है और वहीं पे डेड एंड होती है, जो केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा, फिर आप आ जाइए पॉलीटेक्निक चौराहा फन, ये सब 3 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा, उसके आगे आप हजरतगंज मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा, तो सारी चीज़ें यहाँ से कनेक्टिविटी, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन 6 किलोमीटर पे है, चारबाग रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर पे है, तो सारी चीज़ें यहाँ से आपको कनेक्टिविटी के मामले में सुपर जगह है ये। अच्छा, मतलब सारी चीज़ें आपको पास में पड़ेंगी, सारी चीज़ें आपके पास, तो कोई भी चीज़ आपको कवर करनी है तो 10 किलोमीटर में सारा लखनऊ कवर होगा। कवर हो, आप मिडिल लखनऊ में हैं, एकदम बीचों बीच, नया और पुराना दोनों सारा दोनों कवर हो जाएगा। इस बढ़िया से घर के बढ़िया लोकेशन के क्या प्राइस कोट कर रहे हैं? 60 लाख ओनली। 60 लाख
हमारी फैमिली से कोई आता तो उसमें कुछ गुंजाइश होगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी, क्यों नहीं गुंजाइश होगी। अच्छा, आपसे और भी चीज़ जानना चाहेंगे, फाइनेंस अगर कोई कराना चाहे? किसी भी बैंक से फाइनेंस हो जाएगा, दाखिल खारिज है ये। हाँ। दाखिल खारिज प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पे चढ़ी हुई है। अच्छा, दाखिल खारिज चढ़ा हुआ, मतलब आपके ही नाम प्रॉपर मेरे नाम पे चढ़ा हुआ है। ठीक है, आप अगल बगल की लोकेशन भी दोस्तों देख सकते हैं, सब घर बने हुए हैं, आस पड़ोस में भी सारे घर बने हुए हैं, फ्रंट में भी सारे घर बने हुए हैं, मतलब कि ये कह सकते हैं ओवरऑल भरी पूरी आबादी है और सब लोग रह रहे हैं आस पास, तो आपको आस पास का माहौल भी अच्छा मिलेगा और नियर बाई की चीज़ें आपको पास पास में पड़ेंगी। सचिवालय, बिजली विभाग, राजस्व विभाग के सारे कर्मचारी इधर रहते हैं, मतलब सोसाइटी काफी काफी अच्छी है। सोसाइटी में सभी लोग जो है सरकारी नौकरी हैं, ज्यादातर 80% आपको यहाँ सब सरकारी नौकरी वाले मिलेंगे। और आपसे पूछा कि नियर बाई का सबसे फेमस स्कूल कोई? नियर बाई का सबसे फेमस स्कूल CMS है, जिसकी दूरी मात्र 1 किलोमीटर है, और RLB है, RLB की भी दूरी लगभग आप मान के चलो 500-700 मीटर है। मतलब जो टॉप के कॉलेजेस हैं, जो टॉप के स्कूल्स हैं, वो भी यहाँ से मतलब 500-700 किलोमीटर मैक्सिमम 2 किलोमीटर में आपको बहुत अच्छे अच्छे स्कूल मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब आप बताइए कमेंट में कि आपको घर कैसा लगा। फाइनेंस की भी सुविधा आपके लिए उपलब्ध है और कैश कर लेना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई हमारा भाई बाहर से देख रहा है और कुछ टोकन अमाउंट देना चाहता है कि घर को बुक कर लें, तो क्या प्रोसेस है उसका? उसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, हम लोग को आप हमारे अकाउंट में मनी ट्रांसफर करिए। मिनिमम क्या देना होता है? मिनिमम 2 लाख। मिनिमम 2 लाख वो रिफंडेबल होता है? बिल्कुल रिफंडेबल होता है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर कहीं आर्ट के लोकेशन में चाहता हो तो अपने पास वहाँ पे भी मकान अवेलेबिलिटी है? कहाँ पे? विनायक सिटी में। क्या प्राइस कोट कर रहे हो? वहाँ 68 लाख कैश दायरा होगा उसका? इससे कम ही होगा, 100 स्क्वायर फीट, हाँ 1200 होगा, ये 1350 है। अच्छा, वो जगह थोड़ी और अच्छी, वो जगह थोड़ी गेटेड कॉलोनी है बस, बाकी है यही चीज़। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी हो गई दोस्तों, नियर बाई की भी चीज़ें बता दी, प्राइस भी आपको बता दिया, 60 लाख रुपए निगोशिएबल है, आप आएंगे तो थोड़ा बहुत कम होगा, पास पास की भी चीज़ें बता दी। अनिल जी, मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी फैमिली को दूसरा लोकेशन का दूसरे मकान दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा मकान, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी तरीके की वीडियोज़ हम आप तक लेके आते रहते हैं। प्रॉपर्टी हब पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।